नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बेगूसराय के विभिन्न जगहों पर सावन का पहला सोमवार बड़ी धूमधाम से और बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। पहला सोमवारी में नागपंचमी का भी मनाया गया। सावन माह के पहली सोमवारी और साथ में नागपंचमी पर्व को लेकर शिवालय एवं भगवती स्थानों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवारी को लेकर मिथिला के सावन शिवालय बाबा हरिगिर दामगढ़पुरा एवं जिला मुख्यालय के कर्पूरी स्थान एवं काली स्थान शिवालय में अहले सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। हरिगिर गांव में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच 20,000 से अधिक शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। जलाभिषेक को लेकर प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में विशेष बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन चिकित्सा शिविर में खाना पूर्ति की जा रही थी। वहीं कांवड़िया मार्ग में सिंधिया से लेकर हरिगिरी धाम मंदिर तक भक्तों को काफी जलालत का सामना करना पड़ा। रास्ते में कहीं भी प्रशासन द्वारा रोशनी, शौचालय, पीने का पानी एवं आराम करने के लिए शेड की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण कांवड़ियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क किनारे के गांव में बिजली पोल पर बल्ब तो लगे थे, लेकिन बिजली विभाग द्वारा डीएम के निर्देश के बाद भी रात में सही तरीके से बिजली आपूर्ति नहीं की गई। सिमरिया से गंगा जल लेकर हरिगिर धाम पहुँचे गोहा, मालदह, सिमरी, गढ़पुरा गांव के बम रजनीश, जितेंद्र, राहुल, श्वेता, लक्ष्मी, मुकेश आदि का कहना था कि विगत 5-6 वर्षों से प्रत्येक साल पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने आते हैं, लेकिन कभी इतनी परेशानी नहीं हुई। बखरपुर सुल्तानपुर के बाद मैदा बभनगमा से लेकर मुरादपुर तक सड़कों की हालत काफी बदतर है। सड़क में इंच भी पैदल चलने लायक जगह नहीं है। सड़क के दोनों तरफ भी जंगल साफ नहीं किए गए। रास्ते में अस्थायी शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भारी जलालत झेलनी पड़ी, जबकि पूर्व में शौचालय एवं पानी की व्यवस्था रहती थी। यही हाल बेगूसराय होकर आने वाले सड़क की है। मुख्य सड़क के दोनों तरफ जंगलों का अंबार लगा है। उसे जेसीबी से भी साफ करवा दिया जाता तो साधारण बम एवं डाक बम को चलने में सहूलियत होती। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश विक्रम एवं जिला राजद प्रवक्ता विवेक कुमार ने बताया कि हरिगिर गांव में राजकीय श्रावणी मेला लगता है तथा वैसे भी भक्तों की भीड़ रहती है। इस एक महीना में सरकार का 25 लाख से अधिक खर्च होता है तथा विकास समिति भी लाखों का खर्च दिखाती है, लेकिन प्रशासन एवं हरिगिर धाम विकास समिति ने इसे लूट का जरिया बना लिया है। कामधेनु गाय बनाकर भोला शंकर के नाम पर लूट मचाई जा रही है। हरिगिर धाम में मौजूद शिवगंगा की हालत बदतर है। शिवगंगा में जंगल का ढेर है तो सीढ़ी पर पसरा मलमूत्र स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। फिलहाल रास्ते में हुई असुविधा के बाद भी हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा है। दूसरी ओर नागपंचमी को लेकर सुबह से ही माँ भगवती पूजन एवं झांप चढ़ाने के साथ नाग पूजन के लिए दूध लावा का भोग लगाने वालों की भीड़ उमड़ी है। वहीं सिमरिया, झमटिया, सिमा एवं राजघाट साहिबपुर में सुबह से ही गंगा स्नान करने वालों की भीड़ लगी रही। अगर उसकी मन्नत पूरी हो वाली है तो फूल गिरता है, दिखा हुआ नहीं गिरता है। लोगों की मन में एक उत्साह है, लोगों के मन में एक आशा है, डिवोशन है भक्ति के प्रति, और जिस वजह से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ रही है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें कि सारे गांव के लोग सहयोग से इस पूजा को सफल बनाते हैं और यहाँ तक प्रशासन भी सामने आते हैं, वो लोग भी कितने दिन होता है। ये 2 दिन का होता है मूलतः, जैसे कि कल जगन्नाथ था लेकिन आज माँ की पूजा है, फिर कल कुमार कन्या का जमा जमेगी, उसके बाद पूजा फिर दिन प्रत्येक दिन यहाँ पर सुबह शाम आरती होती है, लोग आते हैं प्रसाद खाते हैं, जिसकी अपनी मनोकामना पूरा होता है तो अपनी इच्छा अनुसार लोग यहाँ पर मुंडन भी कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी। क्या है मंदिर का? मंदिर के घर के आंगन में तो पूजा उजा करते हैं, माँ की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।